ग्लीसन मेक नंबर 16 हाइपॉइड एंड स्पाइरल बेवल गियर जनरेटर इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन. दिस मशीन इज अ डबल कैम मशीन. इट कैन वर्क इन जनरेशन मोड एज वेल एज इन द फॉर्मेट मोड. अभी जो ये मशीन है ये जनरेशन मोड में काम कर रही है. हम कटर का रोटेशन तो देख सकते हैं एंड साथ में जो क्रेडल है वो क्रेडल भी रोल कर रहा है या क्रेडल भी रोटेट कर रहा है. मशीन का स्ट्रोक कितना सेट होगा वो स्ट्रोक यहां से सेट होता है. एंड डेप्थ ऑफ कट टीथ की डेप्थ कितनी होगी वो इससे सेटिंग करते हैं. ये मशीन डबल कैम मशीन है. इसमें हम ये दो कैम विजिबल कर देख सकते हैं. ये मशीन अभी अपने आप रुक गई. इसमें जो हमने नंबर ऑफ टीथ सेट करे थे वो पूरे हो गए तो ये मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई. अभी फिर से ऑन कर दो. ठीक है. इंडेक्स गियर्स कंडीशन ऑफ द मशीन इज एक्सीलेंट. देयर इज नो नॉइज इन द हेड. कटर स्पीड गियर एंड क्रेडल फीड गियर्स. क्रेडल रोल गियर्स एंड रेशियो रोल गियर्स. द मशीन इज कंप्लीट विद इट्स चेंज गियर्स एंड ऑपरेटिंग मैनुअल. ऑल द पेजेस आर देयर. अभी मशीन हम जनरेशन मोड में दिखा रहे हैं. एक बार ऑन कर दो. ठीक है. वर्किंग ऑफ द मशीन इन जनरेशन मोड. अभी जो इसका क्रेडल है वो डाउन रोल में चल रहा है. ठीक है. ये पूरा आगे जा रहा है. अभी आगे जाके रुक जाएगा एंड उसके बाद ये क्रेडल अभी अप रोल में हो गया. इस समय एक्चुअल टीथ की कटिंग हो रही है. जनरेशन मोड में क्रेडल भी रोटेट करता है एंड एज वी कैन सी द वर्क स्पिंडल इज आल्सो रोटेटिंग. द वर्क स्पिंडल एज वेल एज क्रेडल बोथ आर रोटेटिंग. दिस इज द जनरेशन मोड. इसमें जैसे ही एक टीथ की अभी कटिंग पूरी हो जाएगी इंडेक्सिंग होने के लिए ये पूरा जो वर्क हेड है ये पीछे आएगा. ठीक है. ये पूरा पीछे आ गया. इस समय क्रेडल अभी डाउन रोल वाली उसमें चला गया है एंड इंडेक्स गियर से इंडेक्सिंग होएगी. जैसे ही क्रेडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा एंड इंडेक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी ये फिर से कटिंग के लिए चल पड़ेगा. ठीक है. ये फिर चल पड़ा है. अभी फिर से टीथ की कटिंग हो गई है एंड क्रेडल फिर से अभी अप रोल में चल रहा है टीथ कटिंग करता हुआ.
ठीक है, ये हम देख सकते हैं अभी ये वर्क वर्क हेड जो है वो अभी आगे की तरफ है। जैसे ही इस वाले टीथ की कटिंग पूरी हो जाएगी ये फिर से पीछे आ जाएगा इंडेक्सिंग के लिए। अभी टीथ कटिंग हो रही है, ठीक है, ये पूरा पीछे आ गया और इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, अभी ये अप रोल में चल रहा है टीथ कटिंग होते हुए, है ना। वर्क स्पिंडल की भी रोटेशन देख सकते हैं कि वर्क स्पिंडल भी रोटेट हो रहा है क्योंकि ये अभी जनरेशन मोड है। ठीक है, ये अभी डाउन रोल में चल रहा है और इंडेक्सिंग हो रही है। As this is a double cam machine, it can work in generation as well as in format mode. अभी जो हमने मशीन की वर्किंग दिखाई थी that was shown in the generation mode. Now we are changing the cam to work in the format mode. Change कर दो जी इसे एक बार cam को। मशीन को फॉर्मेट मोड में चलाएंगे जिसमें क्रेडल रोटेट नहीं करता है, तो हमें क्रेडल को रोकना पड़ेगा। दैट इज वाई वी विल बी नाउ रिमूविंग द क्रेडल रोल गियर्स। ठीक है जी, क्रेडल के रोल गियर निकाल दो। ठीक है, हमने ड्राइवर को हटा दिया, बस ड्रिवन से लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्किंग ऑफ द मशीन इन फॉर्मेट मोड। अभी जैसे कि हमने दिखाया, वी हैव नाउ लॉक्ड the cradle as well as we have now changed the cam. अभी मशीन जो है वो फॉर्मेट मोड में काम कर रही है and as we can see the cradle is now fixed. cradle अभी रोटेट नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ कटर रोटेट कर रहा है। जनरेशन मोड में cradle रोटेट करता था, अभी नहीं चल रहा है। and the same goes for work spindle. work spindle भी अभी stationary है, रोटेट नहीं करता। वर्क स्पिंडल सिर्फ इंडेक्सिंग के टाइम पे काम करेगा। ठीक है, फॉर्मेट मोड इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ प्लंज मोड। इसमें धीरे धीरे ये पूरा वर्क हेड अभी आगे जा रहा है कटिंग होते हुए, धीरे धीरे टीथ की डेप्थ इंक्रीज हो रही है। जैसे ही वो डिजायर डेप्थ पे पहुंच जाएगा ये अपने आप पीछे आएगा इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, ये अभी नेक्स्ट टीथ के लिए पीछे आ गया इंडेक्सिंग के लिए। जब ये पीछे आएगा तभी इंडेक्स गियर्स रोटेट होंगे नेक्स्ट टीथ की कटिंग के लिए। एंड जैसे ही इंडेक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये अभी इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गई, इंडेक्स गियर रुक गए अपने आप, फिर से पूरा वर्क हेड प्लंज में धीरे धीरे आगे जा रहा है कटिंग के लिए। हम देख सकते हैं वर्क स्पिंडल इज ऑल्सो स्टेशनरी, वो रोटेट नहीं कर रहे। क्रेडल इज ऑल्सो स्टेशनरी। अब जैसे ही ये वाले टीथ की कटिंग हो जाएगी पूरी, फिर से ये पीछे आएगा एंड तभी वर्क स्पिंडल एंड इंडेक्स गियर रोटेट करेंगे इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, ये वो फिर से पीछे आ गया एंड इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्स गियर्स ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। एज द इंडेक्स गियर्स आर रोटेटिंग, वर्क स्पिंडल की भी रोटेशन देख सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट टीथ की कटिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। वर्किंग ऑफ द ऑटोमेटिक स्टॉपर। ये मैकेनिकल स्टॉपर लगा है इसमें, इसमें आप नंबर ऑफ टीथ सेट कर सकते हैं एंड हर बार ये अपना चल जाएगा। जैसे अभी देखा, जैसे इंडेक्सिंग हुई इसमें नंबर ऑफ टीथ रिड्यूस हो गया,
ये अपने आप रोटेट हो गया। जैसे ही ये जीरो पे होएगा मशीन अपने आप रुक जाएगी। इसको रीसेट करना होगा। ठीक है, ये रीसेट कर दिया। दिस मशीन इज इक्विप्ड विद हाइड्रोलिक जॉब क्लैंपिंग। The work spindle of this machine is equipped with a hydraulic cylinder for clamping and de-clamping of the job. एक बार ये चला के दिखा दो। ये अभी de-clamped है। ठीक है, ये पीछे आया तो जॉब क्लैंप हो जाएगा। ठीक है जी, वापस de-clamp कर दो, आगे ले जाओ। ठीक है जी, मशीन को ऑन कर दो जी एक बार। द मशीन इज इन ओवरऑल एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन। दिस इज अ डबल कैम मशीन केपेबल ऑफ वर्किंग इन जनरेशन एज वेल एज इन फॉर्मेट मोड। द मशीन इज कंप्लीट विद चेंज गियर्स, ऑपरेटिंग मैनुअल्स। All the features of the machine are working perfectly fine.